हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूँ आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थ्री। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चलाएंगे, उसमें क्लास टेंथ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के साइज बनेंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो हुआ ये कि हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में वही आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर वाली कहानी थी और थोड़ी सी कुछ उठा के वैल्यू रखने वाली थी। वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू समथिंग दे दिया जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू दे दिया पता करना होगा आपको, साइन सी की वैल्यू दे दिया जाएगा तो साइन ए की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो ये कहानी सब चलती रही। चलिए उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग की आज है वैल्यू, वैल्यू बताना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो हम बताने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त तरीका आपको, उससे आपको वैल्यू लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे पूछ लें साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको लर्न करना पड़ता होगा। लेकिन आज इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो यकीन मानिए आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ी सी रेसिप्रोकल वाली कहानी क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर पर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक कॉसेक होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपका जो होगा वो सेक थीटा होता है और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉट थीटा होता है। ये होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमको पता चल जाए साइन थीटा की, तो उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा का हमको पता चल जाए तो उसका रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। टेन का भी अगर वैल्यू हमको पता हो, टेन का बोल दे 3/5 हो, समथिंग कुछ भी बोल दे 3/5 हो, तो टेन कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। तो ये कहानी चलती है सब में। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए कि इस रेसिप्रोकल होता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और सेक सेक होता है कॉस का और कॉट होता है टेन का। ये रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़ी एक बात और, क्योंकि इन सबका यूज़ आएगा अभी टेबल में, जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे तो उसमें इसका यूज़ आएगा। चलिए हम बोले सर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स जाएगा कॉट थीटा का साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है, यानी इन सबको आपको याद रखना है। बस ये आपको रिवर्स याद रखने हैं और ये आपको इनके टेन थीटा के फार्मूले पता होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये आपको अगर इतना नॉलेज है तो इसके बाद आप जो हम वैल्यू टेबल बनाने जा रहे हैं उस टेबल को आप इजिली कर सकते हो, आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, रेस्ट करते हैं। चलिए हम टेबल बनाना है, एंगल ए इधर लिख देंगे आप, मतलब जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे आप उसको इधर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, और जो भी वैल्यू हो जाएंगे इधर लिखेंगे आप। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। तरीका सुन लीजिए कैसे कैसे लिखना है आपको, बस आप उसके बाद इजिली आप कर सकते हो। एंगल ए हमने लिखा, उसके नीचे जितने भी रेशियो बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले से लिख देंगे, साइन ए के नीचे कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कोसेक, ये होगी। तो जो वैल्यू स्टार्ट होती है हम लोग की वो जीरो से स्टार्ट हो गई। पहले जीरो लेंगे, 30, 45, 60 और ये हो जाएगा 90। तो ये कहानी चलती है आपकी, इसको ऐसे कह के हम बना लेते हैं। तो ये चार्ट कैसे आपको ड्रा करना, ऐसे करना बस, चार्ट इतना करके छोड़ देना आपको, बस उसके बाद हम बताएंगे। इतना तो आप कर सकते हो, उम्मीद करते हैं इतना तो आप कर ही सकते हो। एंगल ए लिखना, एंगल ए के नीचे सब ट्रिग्नोमेट्री वाले रेशियो होंगे सबको लिख लेना। एंगल ए के बगल में जितने भी वैल्यू बनेंगे, मतलब देखो वैल्यूज आप सर 10 क्यों नहीं लिखे 15, तो मतलब उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, उसकी जो वैल्यूज आती हैं होता है वैल्यू, ऐसा नहीं है साइन 10 का भी होता है, साइन 25 का भी होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी डायट ऐसे हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री तरीके से। तो एक प्रोसेस होता है निकालने का,
तो अभी इसकी वैल्यू बात करें, हमको इतने वैल्यू क्लास टेंथ के सिलेबस की बात करें तो आप में यही सब वैल्यू है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यानी साइन जीरो के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 45 आएगा, फिर आपका 60 आएगा, फिर 90 आ जाएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना क्या है, आप क्या करिए, लिख दीजिए काउंटिंग, लिखिए पहले काउंटिंग प्रोसेस बता रहा है, 0 1 2 3 4 आपने क्या किया कर दिया अपने वैल्यू। आपको हम पूछे आपसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, ये तरीका आपको बताने जा रहे हैं हम। तो पहले क्या करोगे सर, आप पूरे काउंटिंग लिख लोगे, जीरो से लेके 4 तक आपने काउंटिंग लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब लिखने के बाद आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे 4 से आप डिवाइड कर दोगे सब में, सब में, सब में 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा वही रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 था, ये हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो वही रहा, वो भी चेंज नहीं होगा, और ये सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया आपके पास। तरीका सुनिएगा, सुनिएगा तरीका, कुछ नहीं करना है। चलिए अब पहले आपने सर 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। काउंटिंग लिखने के बाद आपने 4 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, इजी स्टेप था। उसके बाद आप क्या करोगे, रूट ले लोगे, जो आएगी वही सब क्या हो जाएगी, रूट 0 का 0, इसका रूट कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात आ रही है यार, ये कितना रूट ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 तो निकल जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा 3 रहेगा, रूट 3 रहेगा, नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 4 है तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। यानी आपके पास जो वैल्यू आ गई ना वो ये वाली हो गई, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। यानी साइन 60 की वैल्यू हो गई 3/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। कुछ नहीं किया हमने, प्रोसेस देखिए क्या किया हमने, हमने किया बेटा कि पहले आपने पूरा टेबल लिख लिया, फिर आपने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख ली। काउंटिंग लिखने के बाद आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से क्या किया आपने डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रूट निकाल लिया, और जो वैल्यू आएगी वही साइन की वैल्यू हो जाएगी। तो इतना सब क्लियर होगा। अब चलिए देखिए, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसको रोटेट करा देना है, मतलब ये 90 को ऐसे करके लाके ऐसे कर देना है और ये 0 वाला इधर आ जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू ऐसे रोटेट करा देंगे आप। रोटेट कितना करना है, 180 रोटेट कर देना है, यहाँ से रोटेट करके ऐसे लाए और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगी साइन कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू 3/2, इसका तो वैल्यू वही रहेगा, इसके ही अबाउट क्या हुआ रोटेट हुआ है, और ये कहाँ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा 0 आ जाएगा। ये कहानी क्लियर हुई, ठीक है। यानी साइन की और कॉस की वैल्यू आपके पास आ गया। जब साइन कॉस की वैल्यू आ गया तो आपको पता है सर टैन की वैल्यू कैसी आती है, टैन की जो वैल्यू आती है ना वो साइन अपॉन कॉस करके आता है। यानी टैन ए की वैल्यू चाहिए तो साइन वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0/1 कितना हो जाएगा 0, ये 1/2, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। यहाँ आते हैं तो 1/√2 तो क्या हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा 1 वैल्यू बचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो होगा क्या, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा √3, और 1 में आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करोगे इसको, इस 1 के अबाउट फिर क्या करोगे, कॉस की तरह रोटेट कर देना है इसको, यानी ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और पूरी वैल्यू वहाँ चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा वो कॉट का हो जाता है, ये हो जाएगा 1/√3 और क्या हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा इसके बाद देखिए, अब हमने बताया था आपको बेटा कि साइन का रिवर्स करोगे कोसेक और कॉस का करोगे सेक। अच्छा ये बताओ 1/1 तो क्या होगा 1 ही होगा, √3/2 है, इसका रिवर्स कर देना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा,
इसका रेसिप्रोकल कर देना, टू ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये टू ऊपर चला जाएगा वो ना कितना जाएगा रूट टू बचेगा, ये टू ऊपर चला जाएगा वो नीचे कितना जाएगा नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ये है, ये जीरो है, ये क्या है जीरो है, और जीरो है ऊपर नीचे है वन, वन जाएगा ऊपर जीरो जाएगा नीचे, जीरो क्या करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए वही तरीका, इसको रोटेट करा दीजिए या साइन का उल्टा कर दीजिए, बात एक ही है, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ये रूट टू आ जाएगा, ये रूट टू सॉरी ये टू आ जाएगा, ये रूट टू आ जाएगा और क्या आ जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा। तो ये कहानी चली है, कुछ था नहीं बेटा इसमें, स्टेप हुआ ये कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने एंगल को लिख लिया, उसके बाद में आपने ये इधर एंगल को लिख लिया, साइन वाले रेशियो को लिख लिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, उधर फिर क्या किया आपने एंगल को लिख लिया, फिर आपने जीरो वन टू करके फोर तक लिख दिया, लिखने के बाद आपने क्या किया फोर से डिवाइड किया। हमको फर्स्ट स्टेप में ऐसा करना है, बाकी किसी में नहीं करना डिवाइड वाइड, फर्स्ट वाले में ही करना, क्योंकि बेस चाहिए हमको, बेस मिल जाएगा आपके वैल्यूज, उसके बेस पे हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो इसका जब किया फोर्स डिवाइड किया, फिर रूट निकाला, तो इसका निकाला तो जीरो, इसका निकाला तो वन बाई टू, इसका हो जाएगा वन बाई रूट टू, ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा वन, उसको रोटेट कर दिया 180 से, तो क्या आ जाएगा ये वन हो जाएगा, यानी जो साइन 90 की वैल्यू हुआ करती थी वो कॉस जीरो की वैल्यू होने लगी, फिर आपका ये वैल्यू आ जाएगा, फिर साइन अपन कॉस किया तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगा, फिर इसका भी 180 रोटेट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने किया सर कि सेक जो है सेक ये कॉस का रिवर्स होता है, तो आपने क्या किया रिवर्स कर दिया, क्या किया रिवर्स कर दिया, ये भी उसका रिवर्स होता कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसको रोटेट कर दो काम चल जाएगा। तो बेटा ये हुआ आपकी वैल्यूज, और इसको तरीका यही है लर्न करने का, आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो चलिए बच्चों हम लोग उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने टेबल पढ़ रखा अभी उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं देख लेते हैं। तो देखिए 5 cos square 60, अब cos 60 की वैल्यू आपको पता हो तो काम बन गया। तो cos 60 की वैल्यू कैसे, देखो तरीका सुनना कैसे cos 60 की वैल्यू आपको लर्न होगी। सर आपने बोला था कि पहले 0 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, क्या आता है 0 30 45 60, यानी फोर्थ नंबर पे आया है, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था 0 1 2 से, यानी 3 तक काउंटिंग कहाँ आएगा 60 पे आ जाएगा, ठीक। फिर आपने क्या किया 4 से डिवाइड किया, फिर क्या किया आपने 4 से डिवाइड, हम साइन की बात कर रहे हैं अभी, साइन की बात कर रहे हैं, तो क्या किया आपने 4 से डिवाइड किया, तो कितना जाएगा 3 बाई 4, रूट निकालेंगे अंडर रूट 3 बाई 2, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3 बाई 2, लेकिन साइन 60 की वैल्यू हमको पता चला, कॉस की नहीं पता चला, तो आप साइन 30 की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी साइन 30 की जो वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू जाएगी, क्योंकि हमने रोटेट कर दिया था 180 से, यानी साइन 30 की वैल्यू आपको पता चल जाए तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू जाएगी। तो 30 किस सेकेंड भी स्टेप से था, 0 30 नहीं सेकेंड नंबर पे था, यानी 0 लिखिए पहले 1 लिखिए, यानी 1 से क्या किया आपने 4 से डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 4, रूट निकाला कितना आ जाएगा 1 बाई 2, यानी साइन 30 की वैल्यू जो होगी वही कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। आप टेबल में दिमाग, वो टेबल चलता रहे वो दिमाग, चलिए दिमाग में रहेगा बेटा काम चल जाएगा, यानी 5 तो कॉस 60 की वैल्यू कितना रखना है 1 बाई 2, चूँकि स्क्वायर है तो हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, चलिए प्लस 4 बढ़ा दीजिए sec स्क्वायर 30, जो साइन 30 का वैल्यू होगा ना, साइन ही sec की बात किया तो ये जो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो cos 30 की वैल्यू होगी उसका रिवर्स कर दोगे या उसका रेसिप्रोकल कर दोगे वही sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या थी, जो साइन 60 की वैल्यू थी, cos 30 की वैल्यू वही थी जो cos 60 साइन 60 की वैल्यू थी, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 हमने निकाला था, उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 बाई रूट 3 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45। तो आपको पता है टेन की जो होती थी फार्मूला वो साइन अपॉन कॉस, तो साइन 45 की जितनी वैल्यू होगी उतना रखोगे और कॉस 45 जितना रखोगे सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, कितना बचेगा 1, यानी कितना जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, आप देखो साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 कैसे आता है,
आपको याद है कि पहला स्टेप था हमारा जीरो, उसके बाद वन लिखते थे, टू लिखते थे, लेकिन हमको कहाँ जाना है, थर्टी तक जाना है, और थर्टी नीचे हमने वन लिखा था। वन क्या करोगे, फोर से डिवाइड करोगे तो वन बाई फोर हो जाएगा, फिर से उसका स्क्वायर रूट निकालो कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, यानी साइन थर्टी की जो वैल्यू होगी वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉस थर्टी की वैल्यू, साइन सिक्सटी की वैल्यू जो होगी, साइन सिक्सटी की वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगी, कॉस थर्टी की वैल्यू जाएगी। तो साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो याद करो, जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी, यानी चौथे नंबर पे है। आप जब काउंटिंग लिखते थे तो जीरो से स्टार्ट करते थे, जीरो वन टू थ्री, यानी थ्री पे जाके सिक्सटीन मिल रहा है। और थ्री क्या करोगे, फिर फोर से डिवाइड करोगे तो थ्री बाई फोर हो जाएगा, फिर उसका रूट निकालोगे कितना जाएगा, रूट थ्री बाई टू, क्या जाएगा, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया। इसको सॉल्व करना आपको पता होगा, अब हो गया इजी आपके लिए। ये देखिए आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी आएगा आप आंसर लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, हमें इतना तो कर ही सकते हो आप, इतना कर सकते हो, उम्मीद इतना कर सकते हो। चलिए इसके बाद की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, टू इंटू टेन थर्टी, टेन थर्टी मतलब साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती थी वन बाई टू और कॉस थर्टी की वैल्यू होती थी रूट थ्री बाई टू, तो आप टू से टू कैंसिल तो क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री, अब दिमाग चलाओगे काम बन जाएगा, प्लस वही फिर टेन थर्टी तो क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो टू बाई रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाई थ्री, इसको सॉल्व कर लेना है, टू बाई रूट थ्री अपॉन थ्री, ये हो जाएगा थ्री प्लस वन, ये टू बाई रूट थ्री और प्लस फोर बाई थ्री, बात क्लियर है। क्या करोगे, ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा सिक्स, या फिर रहने दो इसको, टू इंटू थ्री लिख लो अपॉन फोर रूट थ्री लिख लो, कैंसिल करो, टू टू जा फोर, और ये रूट थ्री लिखा है, इसको लिख सकते हो थ्री बाई टू रूट थ्री, यानी थ्री बाई टू रूट थ्री, क्लास नाइन्थ में पढ़े होगे, कभी भी सर डिनोमिनेटर में सर रूट नहीं रखते हम लोग, तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब करोगे थ्री इंटू रूट थ्री ऊपर करोगे मल्टीप्लाई, और क्या करोगे नीचे भी एक बार मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा, ये थ्री बन जाएगा और ये थ्री रूट थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, यानी रूट थ्री बाई टू, आपका क्या जाएगा वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा ये कहानी थी, कुछ था नहीं, आपको वैल्यू मेन खेल है, इसमें कुछ करना नहीं है, वैल्यू मेन, इसके बाद जो आएगा एक्सरसाइज या उसके बाद वाला एक्सरसाइज जो आएगा वन पॉइंट जो आपका 8.4 आएगा उससे वो इम्पॉर्टेंट आपका, और उसको आपको समझना भी है, क्योंकि ये सब ईजी था, आपको वैल्यू रखने हैं, डायरेक्ट आंसर निकल के आपके आ जाएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ये सब कर लेना आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज के लिए ध्यान देते हैं।